Assalamu alaikum. Welcome back to Molvi's channel. Muhammad Ilyas Bangash once again. As you guys know me, एक नई जगह पर एक नई opportunity के साथ. आप भी सोच रहे होंगे मौलवी कहाँ घूमता रहता है, क्या करें. Zameen.com के projects ही इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं पूरे साल भी इसकी वीडियो शूट करूँ तो I cannot finish them. तो खैर, मैं एक और अच्छे मौके पर एक और सुनहरा अंडा देने वाले मुर्गी जैसे मौके पर आया हुआ हूँ. बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर उनका दिल मुतमइन नहीं होता. वो कहते हैं वी वांट समथिंग ऑन द ग्राउंड. उनको चाहिए होते हैं प्लॉट्स. तो प्लॉट्स के बारे में हमारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नोवा सिटी. आई एम राइट इन द मेन गेट ऑफ नोवा सिटी. वॉच इट, हैव अ लुक. देखें, दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ नोवा सिटी. दिस इज द मेन गेट. पीछे इनकी बड़ी सारी हैवी मशीनरी खड़ी है, आपको नजर आ रहा होगा. ये सारी इनकी हैवी मशीनरी है जो ये लोग डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. और उस साइड पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द मेन मोटरवे, बल्कि सी पैक का रोड है जो मोटरवे M14 जिसे कहते हैं. मैप गूगल के अंदर आप देखेंगे तो दिस इज़ M14. उस साइड की तरफ, उस साइड पे DI खान है और इस साइड पे इस्लामाबाद है. होपफुली अंडरस्टैंड, दिस इज़ DI खान और दिस इज़ इस्लामाबाद. और जिस साइड से ये कैमरा शूट हो रहा है और आप मुझे देख रहे हैं, इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली बैक साइड पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, वन अनदर लैंडमार्क. खूबसूरत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. लॉन्ग टर्म के ऊपर करेंगे, आप यकीन जानिए इट इज़ गोइंग टू बिकम समथिंग दैट विल ब्लो यू ऑफ. वो क्यों? क्योंकि द रेट्स आर गोइंग टू चेंज ड्रामेटिकली विद इन एन ईयर. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज इट, फॉरगेट इट, इट इज़ गोइंग टू ब्लो यू ऑफ. लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग विद इन एन ईयर ओ टू, ये फिर भी बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं है. क्योंकि आई मीन टू से इफ़ यू वॉन्ट गो फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन इन्वेस्ट इन. सिर्फ बात यह रहती है वॉट इज द एक्सेस, हम नोवा सिटी पहुंच कैसे सकते हैं. फिल वक्त दे डोंट हैव एक्सेस फ्रॉम सी पैक राउट. ठीक है, सी पैक से इनकी तरफ एक्सेस नहीं है, बट दे आर सून गोइंग टू फाइंड अनदर सोल्यूशन. क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे प्लॉट हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उतर जाऊँ. लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, देर मस्ट बी समथिंग, देर मस्ट बी सोल्यूशन, कि इसका वो लोग कुछ ना कुछ हल निकालेंगे. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू वी एक्सेस नोवा सिटी. मैंने नोवा सिटी जाना है, मैंने देखना है, मैंने लैंडमार्क लैंड बिल्कुल ऑन द स्पॉट पहुँच कर मैं इसको देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ. तो मैं पहुँचूँगा कैसे? तो डोंट यूज़ सी पैक एट द मोमेंट, जब तक मैं आपको न बताऊँ. सी पैक के ऊपर अगर आप आ गए मोटरवे के ऊपर, आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकेंगे, आपको वहाँ से उतरना पड़ेगा पैदल. वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो रास्ता समझाने के लिए हमारे साथ एक हमारे मोहतरम हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, यही आपको बता देंगे क्योंकि ये लोकल हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं. चाचा जान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चाचा जान, ये मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो नोवा सिटी का रास्ता समझना चाहते हैं. तो आसान अल्फाज के अंदर मुख्तसर करके बताइए यहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं. ये फतेह जंग से तरनोल वाली साइड पर अगर आप आए ना जी, तो तकरीबन 8-9 किलोमीटर आगे कोतवाल टूल प्लाजा आएगा. ठीक है, कोतवाल टूल प्लाजा क्रॉस करके चंद कदम आगे एक बंगू कालाहान मोड़ आता है, वहाँ से आप राइट साइड अंदर चले जाएं 4 किलोमीटर तो सी पैक के साथ हमारा नोवा सिटी का. एग्जैक्टली मैंने भी यही रास्ता अभी तजर्बा किया है. मैं भी इसी रास्ते से होकर आया हूँ. पीछे तरनोल है, मैं वहाँ से निकला और इस साइड पे फतेह जंग है, मैं फतेह जंग की तरफ आया. तो मुझे ये ढोक और देहातों के नाम तो नहीं पता, इलाके इस रोड के ऊपर जो आबादियां हैं. अलबत्ता वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था जिसके ऊपर मोटा मोटा करके लिखा हुआ है नोवा सिटी 4 किलोमीटर्स. तो 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर है फ्रॉम दैट रोड एग्जैक्टली टू दिस सी पैक रोड. और सी पैक के नीचे ही बिल्कुल एडजेसेंट ये नोवा सिटी है.
Come here, visit the place, watch it, have a look. फिर आपको चीज समझ में आएगी. Where are you parking your money? Inshallah, by the grace of Allah, मैं इस एतमाद पे बात करता हूँ. If you invest, you will not regret. कि Zameen.com लेकर आया है आपके पास exclusive plots. We have 200 plus plots Nova City के अंदर. कि whoever wants to dive in right now. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म्स खरीद के भूल जाएं, शॉर्ट टर्म्स विद इन टू ईयर्स थ्री ईयर्स यू कैन सी अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ नोवा सिटी. बिलीव यू मी, मैं फिल वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, दिस इज अ ब्यूटिफुल फुटबॉल पिच. ठीक है, मेरे बैक साइड पे ये रहा, ये मेरे बैक साइड पे जो है, दिस इज़ अ वॉलीबॉल पिच. इन्होंने वॉलीबॉल ज़बरदस्त कोर्ट बनाया हुआ है. वजह ये है मैं इधर क्यों खड़ा हूँ, आई लव फुटबॉल. मैं बचपन में बहुत खेला हूँ, और ख़ासकर एकेडमियंस, दिस मैसेज इज़ फॉर यू. जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ, जिनके साथ मैं रहा हूँ, यू रिमेंबर हम कितना ज़बरदस्त खेलते थे. सो Stay tuned. There is a lot that I'm going to tell you about Nova City, and there's a lot that you are going to know about Nova City. So, investment ke hawale se, agar aapne malumat leni hai, mashware lene hai, numbers, contacts, details, sab kuch diya gaya hai. Feel free to contact me. No hesitation. Aapka bhai hu. Jab marzi call karein, din mein, raat mein, inshallah, I will be there to support you. मैंने कॉल रिसीव नहीं की, माइट बी बिजी, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट मी एनी वे यू वॉन्ट. ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप है, फ़ोन कॉल्स हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू. एक दफ़ा फिर अर्ज़ करूँगा, इतना प्यारा मौलवी आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा. तो प्लीज़, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें. जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक तो बनता है ना यार, ऐसे पप्पू करके चश्मे पहने हुए खुदा के बंदो, लाइक ज़रूर कीजिए. इसके अलावा मेरे चैनल को, मेरे इस कंटेंट को शेयर भी कीजिए. इफ़ यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट समवन, तो इसको शेयर भी कर देना. लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर चाहता हूँ, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रा अपने राय का इजहार कीजिएगा कि मेरे बोलने का ढंग ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कहानी. मुझे इस बारे में आगाह कीजिएगा. नंबर दो, मुझे ये भी बताइएगा कि आप जानना क्या चाहते हो. आप हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, या रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉटिंग्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो. आप क्या जानना चाहते हो मुझे ये भी बताइएगा. नंबर थ्री, आपकी अगर कोई राय है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट मी नो. पता है क्या होगा, आप कमेंट करेंगे, आप जब मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, आपके इंटरेक्शंस को देखकर मैं कुछ काम करना शुरू कर दूंगा, कुछ काम मैं छोड़ दूंगा. तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी आउट, और ये आपका मेरे साथ एहसान होगा कि यू हेल्प मी इम्प्रूव माय वर्क. लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अप विद सम न्यू ग्रेट अमेजिंग वीडियोज फॉर यू गाइज. इंशाअल्लाह यू विल नॉट रिग्रेट इट. मेरी दोस्ती से वैसे आज तक कोई भी नहीं पछताया, आप भी नहीं पछताएंगे. आखिरी गुजारिश, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड. अस्सलामुअलैकुम.